है, ये अब आ रहा है भाई, इसको क्या हुआ? तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा दिस वन न्यूक्लियोफाइलिस साइड पे. तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई. व्हाई इट इज कॉल्ड माइनस ई नाउ, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट ऑपोजिट साइड पे आया. सही है या नहीं? यस मैम. अटैकिंग रिएजेंट जॉइंस टू द ऑपोजिट साइड. अटैकिंग रिएजेंट जॉइंस टू द ऑपोजिट साइड टू विच पाई बॉन्ड शिफ्ट, टू विच पाई बॉन्ड शिफ्ट. ये आपके पास है माइनस ई इफेक्ट. इसका कोई ज्यादा वो रोल नहीं है, बिकॉज ये वापस चला जाता है इफेक्ट जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से ट्रांसफर होते हैं. तो ये है इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टिव. चलो हमारे पास अभी दो क्लासेस और हैं इस वीक में, इसके इफेक्ट तो मैं आगे कंटिन्यू करा दूंगी दो नेक्स्ट क्लास में. वैसे भी एक साथ सारे समझ नहीं आते हैं. और नेक्स्ट क्लास में आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन भी स्टार्ट हो जाएगा. अब इसका ना मैं क्वेश्चन देती हूँ जो एक्चुअली में इसके क्वेश्चन आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो ये करके बताना मुझे. हाँ यस देखो, मैम. पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी. ए है तुम्हारा ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कार्बन पे प्लस लगा, कोई बता सकता है कार्बन पे प्लस लगा हो तो उसका नाम क्या होता है? कार्बोकेटाइन. हाँ जी बिल्कुल, तुम्हारा फेवरेट कार्बोकेटाइन. ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये भैया तुम्हारा सी हो गया, और ये हो गया तुम्हारा डी. तो आंसर में तो मैं वन ऑप्शन जिसको बोलते हो, ए बी सी डी. सेकंड में ए बी सी डी, थर्ड में बी सी ए डी, फोर्थ में बी सी डी. चलो फटाफट से दिमाग लगाओ, गो सोचो. प्रतिभा आपके पोल अपीयर नहीं हो रहा बेटे. जिसके नहीं पोल आ रहा है वो चैट बॉक्स में भेज दो, बाकी जिसके पोल आ रहा है अपीयर हो रहा है स्क्रीन पे, दे कैन आंसर. समझ में आ रही है बेटे ऑर्गेनिक के नहीं आ रही है, पहले ये बताओ. चलो मैम आ रही हूँ. गुड. अच्छा सभी क्यों नहीं आंसर करते हो फिर, आराम से बैठे रहते हो? बाकी आरती ने भी मुझे यहीं पे भेजा है, दीक्षा ने भी यहीं पे भेजा है, प्रतिभा और दीक्षा और आरती, तीनों का आंसर सही है. बोलो मुस्कान, क्या पूछना है बेटे? मैम गलती से हो गया था. चलो कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम. एक और आंसर आया चैट बॉक्स में, तनिषा. ठीक है तनिष्का, ठीक है बेटा. सब बच्चे आंसर किया करो भाई, तब पर समझ में आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं. चलो मैंने शेयर कर दिया है, कुछ ज्ञानवान बच्चों ने गलत आंसर दिया है, तो अपना ज्ञान सुधारिए. देखो हमेशा लाइफ में याद रखना मेरी बात, अगर कोई चार्ज स्पीशीज तुम्हें दिखाई दे
तो उसकी रिएक्टिविटी चार्ज के कारण है भाई. मेरे से तुम केमिस्ट्री पढ़ने आओगे ना, फिजिक्स थोड़ा पढ़ने आओगे. अब एप्पल की दुकान में तुम एप्पल खरीदोगे, बनाना की दुकान में तुम बनाना खरीदोगे, स्वीट्स की दुकान में तुम स्वीट्स की खरीदोगे. तो पॉजिटिव चार्ज की दुकान है तो इस पे नेगेटिव ही आएगा ना, जिसको चाहिए. क्या कहते हो, सही नहीं है? यस मैम. यानी कि एक लाइन का आंसर ये है कि जब किसी चार्ज होता है ना किसी स्पीशीज पे, तो उसकी रिएक्टिविटी उसके चार्ज के कारण होती है. तो जो चीजें उसके चार्ज को बढ़ाती हैं वो उसको रिएक्टिव करती हैं. और मोस्ट ऑफ द केसेस में याद रखना कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. जो चीज रिएक्ट करती है वो स्टेबल नहीं होती, जो स्टेबल होती है वो रिएक्ट नहीं करती. तो इसमें तीन मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट तो समझ गए होंगे, प्लस आई इफेक्ट है. अब प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, घर के बंदों ने ही कमी पूरी कर दी, तो इसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. कोई इंग्लिश में बोलना है डाइल्यूटेड. डाइल्यूटेड द पॉजिटिव चार्ज, या डाइल्यूटेड भी नहीं याद रहता तो न्यूट्रलाइज. न्यूट्रलाइज भी नहीं याद रहता तो डिस्पर्स. ठीक है, मतलब डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज हो गया, फैल गया, स्प्रेड आउट हो गया, खत्म हो गया. तो अगर इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो इसकी क्या कम हुई बताओ पहले? रिएक्टिविटी. क्योंकि रिएक्टिविटी का कारण क्या था? पॉजिटिव चार्ज. अब अगर पॉजिटिव चार्ज से भाई आप एप्पल की शॉप में गए, एप्पल ही खत्म हो गए, तो फिर रिएक्टिविटी तो कम होगी ना दुकान की. यस मैम. इसका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ भाई, तो पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो रिएक्टिविटी कम हुई, स्टेबिलिटी बढ़ गई. तो हमेशा याद रखो कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री. तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन आंसर दिया, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. इसके साथ हमारा इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट टू इफेक्ट और इम्पॉर्टेंट है, मीजोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन. क्योंकि अब आपको समझ में आने लग गया, तो इतना टाइम उसको ना लगा के नेक्स्ट क्लास में उसको वाइंड अप करके नेक्स्ट क्लास से हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन हो जाएगा. और जो आज भी किया है दैट इज अ पार्ट ऑफ द 12th ओनली, बिकॉज ये किसी ना किसी चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन सारे आने हैं ऑर्गेनिक में, तब हम कि आपने 11th में किया हुआ है. ठीक है, चलो बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल डू फॉर द मीजोमेरिक इफेक्ट एंड सेट आउट द प्रायोरिटी ऑर्डर. प्रायोरिटी ऑर्डर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक चलती प्रायोरिटी ऑर्डर पे है. अगर चारों इफेक्ट समझ आ गए अकेले अकेले, तब भी प्रायोरिटी ना समझ आए कि किसको कहाँ पे लगाना है, फिर गड़बड़ा है. तो नेक्स्ट क्लास वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ज्वाइन करना है सबने टाइम पे. ओके बेटा, टेक केयर, बाय. थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट. Thank you, ma'am. Thank you, beta. Mm-hmm.